नमस्कार साथियों, मैं राम सिंह सामोता आप सभी के सामने। प्रदेश में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती चल रही है और उसमें लगभग 10,000 पोस्ट है। उसमें से ओबीसी पुरुषों की 1224 सीटें बनती है, महिलाओं का रिजर्वेशन निकालने के बाद में ओबीसी की 1224, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के पद कितने हैं आपको पता है? 1376 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं और ओबीसी की पोस्ट कितनी है? 1224। तो 1376 पोस्ट हैं तो एक्स सर्विसमैन ओबीसी का ज्यादा 90% वही लगेगा। तो 1224 पोस्ट में से लगभग 1000 प्लस, इन जो 1376 है ना, सबकी सभी संपूर्ण पोस्टें ओबीसी एक्स सर्विसमैन से भरी जाएंगी। 17/4/2018 के जो परिपत्र है उसका यह परिणाम है आपके सामने। ओबीसी के मेरे भाई 5,00,000 लोग लगभग तैयारी करें सेकंड ग्रेड की, कम से कम बता रहा हूं ओबीसी कैटेगरी की। और पोस्ट कितनी है ओबीसी पुरुषों की? 0। आप अपनी कैटेगरी से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ये सोचने की बात आप लोगों के लिए। आप ये मत सोचो कि सामान्य कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया, सामान्य कैटेगरी अलग मामला है, आपका रिजर्वेशन कहां है? क्यों घरवालों को खराब कर रहे हो? क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? क्यों पैसों को खराब कर रहे हो? मजदूरी करो ना कहीं जाके, 500 रुपए तो दिहाड़ी मिलेगी। ये संसाधनों का इन्वेस्टमेंट खराब मत करो घरवालों को और किसी को खराब मत करो। आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो। पढ़े लिखे नौजवान युवा जिम्मेदार है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। इसलिए अपने भर्तियों के आंकड़े उठाओ। 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे जयपुर में लाखों लोग बैठे हैं। आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? आपके लिए कोई नहीं आएगा दूसरा, आपको स्वयं चल के आना होगा। 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल के पास में पहुंचना है और हमारे ये अधिकारों की हकों की लड़ाई है।